देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है। आम चुनाव 2024 के अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संपन्न होगा। इस चरण में कुल 57 सीटों के लिए मतदान होना है। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजरा टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने पीएम मोदी को चौतरफा घेरने के साथ ही डिस्को डांस, भांगड़ा और भरतनाट्यम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया। आप भी सुनिए इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, वोट जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा वोट जिहाद, मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है, मोदी जी पिछले तीन साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है? मोदी जी, बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते, चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है, तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी, वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही है, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे, आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी, जो लोग बुलडोजर चला रहे और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं। मोदी जी, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने पाटलिपुत्र में रैली के दौरान कहा था कि मोदी को भांगड़ा, डिस्को और भरतनाट्यम कर रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए सवाल भी किया। उन्होंने पूछा कि क्या पीएम को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? मोदी क्या सोचते हैं कि हम नहीं बोल सकते, हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम भी बहुत बोल सकते हैं, आरएसएस के इतिहास पर बयान हम भी जारी कर सकते हैं। ओवैसी कहते हैं कि पीएम मोदी 56 इंच सीने की बात करते हैं, लेकिन चीन पिछले 3 साल से 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करा बैठा है। मोदी जी चीन को उस कब्जे वाले इलाके से हटा नहीं पा रहे हैं। यही तो सवाल है कि क्या वो चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं? धर्म संसद में मुसलमानों, खास तौर से हमारी माताओं और बहनों पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन मोदी जी भांगड़ा करते नजर आते हैं। जो लोग CAA और बुलडोजर का नारा बुलंद करते हैं, उनके साथ मोदी जी भरतनाट्यम करते हुए नजर आते हैं। ओवैसी आगे कहते हैं कि अब तो उन्हें आशंका होती है कि मोदी जी इंसान है या नहीं। वो खुद ही कहते हैं कि भगवान ने उन्हें खास मकसद के लिए भेजा है। पहले वो अच्छे दिन आने की वकालत करते थे, फिर 15 लाख की बात, फिर चौकीदार, और अब वो खुद को भगवान कह रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि लोकतंत्र में आवाम ही सबसे बड़ी ताकतवर है, आवाम के लिए हर कोई सेवक है, लेकिन पीएम मोदी अब खुद को भारत से बड़ा बता रहे हैं। इस बात की बात वो क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं? हकीकत आज ये है कि गरीबों को और गरीब कर दिया गया, नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है, लेकिन मोदी जी को बड़ी बड़ी बातें करने से फुर्सत कहाँ है। फिलहाल ओवैसी के इस पलटवार पर प्रधानमंत्री मोदी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।